छीलने वाला चप्पू भी गुम हो गया है। ये देखिए छीलने के बाद हम इनको इतने इतने टुकड़ों में काट लेंगे। सभी टिंडे छील लिए हैं और अब चलते हैं किचन में और इसको हम पहले डीप फ्राई करेंगे। तो मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, तेल चढ़ा दिया मैंने, इसको रिफाइंड में भी तल सकते हैं। इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया गाइस, तो ये टिंडे डाल देंगे इसमें। इसको सीखने में 8 से 10 मिनट लगेंगे और तब तक हम अपने टमाटर काट लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-4 चम्मच, उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ और इसको उबलने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो गाइस ये 1/2 किलो टिंडे हैं, इसमें मैंने 200 ग्राम टमाटर लिए हैं और 150 ग्राम प्याज। जब तक हमारे टिंडे फ्राई होते हैं प्याज काट लेंगे। प्याज काट लिए हैं मोटा मोटा, टमाटर बॉयल हो गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा करेंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से सारे फ्राई कर लेंगे, फ्राई होने शुरू हो गए हमारे और इनको तेज आंच पर ही फ्राई करेंगे। ये देखिए टिंडे अच्छी तरह से सिक गए हैं चारों तरफ से, अब हम इनको निकाल लेंगे। टिंडे मैंने निकाल लिए हैं, अब इसी तेल में हम प्याज फ्राई करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे, बस हाफ डन करेंगे इसको हम। ये जो टमाटर थे ठंडे हो चुके हैं, हम इनको मिक्सी के जग में डाल लेते हैं। प्याज भी हमारे सिक गए हैं और इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बस गैस को एक बार बंद कर देंगे हम और इनको ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में पीसेंगे। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है प्याज और टमाटर, इसको पीस लेंगे। तो गाइस इसमें 2-4 हम हरी मिर्च काट लेंगे, 2-3 हम इसमें लहसुन डाल लेंगे। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डलता है, अदरक आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है अदरक। गर्मी करके हम थोड़ा कम ही डालते हैं अदरक, और लहसुन भी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूँगी। ओके गाइज मैं इसको पीस कर ले आती हूँ। अब प्याज टमाटर को पीस लिया है, फिर से गैस ऑन कर देंगे। ये तेल है इसमें थोड़ा सा और डाल लेंगे बस। तो गाइज तेल हमारा गर्म हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, डाल देंगे 2 लौंग डालेंगे, अगर सर्दी है तो 4-5 लौंग डाल सकते हैं, 3-4 काली मिर्च डाल देंगे और ये डालेंगे दालचीनी 1 टुकड़ा। दालचीनी खाने को डाइजेस्ट करती है अच्छी तरह से, तो इसको ज़रूर डालना चाहिए। और गाइस इसमें तेज़पत्ता डलेगा, अभी है नहीं फिर लॉकडाउन की वजह से, तो जैसे ही हमारा ये सिक जाता है हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा इसमें, 1 चम्मच हम इसमें किचन, ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। साथ में डाल देंगे ये पके हुए टिंडे जो हमने अभी फ्राई किए थे। मैं इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल रही हूँ। ओके गाइज अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। तो गाइज पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं, तो इसको चेक कर लेंगे हम। ये देखिए पक गई है और तेल ऊपर आ गया है। जब सब्जी हमारी पक जाती है अच्छी तरह से, मसाले पक जाते हैं, तो ये देखिए ऑयल जो होता है ऊपर आ जाता है। ओहो नमक तो डालना भूल गई। तो गाइज 1 चम्मच नमक डालेंगे, देखिए नमक डालना भूल गई थी हमने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जब बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा टिंडे की सब्जी एक नए तरीके से।
तो गाय जी इसको हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट और हो गए हैं सब्जी को पकते हुए, चेक कर लेंगे फिर से। अच्छी तरह से पक गई है, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं और ये जो टिंडे हैं ये भी मैंने दबा कर देखे हैं, अच्छी तरह से पक गए हैं। तो गाइस गैस को बंद कर देंगे, सब्जी को हम सर्व करते हैं। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी सब्जी काफ़ी अच्छी बनेगी। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना घर पर।